सिवान सदर अस्पताल से जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीजों की पहुंचने की खबर आ रही थी, उसी को देखते हुए सिवान जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने आज सिवान सदर अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। बता दें कि सिवान में कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है ताकि मरीज का वहां पर बेहतर तरीके से इलाज हो सके। इसके बावजूद लगातार जिस तरह से सिवान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है और सीधे सिवान के सदर अस्पताल पहुँच रहे हैं, उसी को देखते हुए आज सिवान DM सदर अस्पताल पहुँचे हुए थे। बता दें कि कल ही हमने न्यूज इंडिया तक पर आपको एक खबर दिखाया था कि कोरोना संक्रमित मरीजों से पूरा अस्पताल भरा हुआ है और लगभग बेड पर कोरोना मरीज लेटे हुए हैं। ऐसे में बाकी मरीजों को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सिवान सदर अस्पताल पहुंचकर सिवान DM ने कहा कि अगले एक घंटे में 17 से 18 बेड चालू कर दिए जाएंगे और COVID-19 के पहुँचने वाले मरीजों का इलाज का सुविधा चालू कर दिया जाएगा। निरीक्षण करने के लिए क्या कुछ सर देखे? सर देखिए, इधर अब चूँकि ये सदर अस्पताल है तो लोगों का भी विश्वास इसी अस्पताल में ज़्यादा है, बशर्ते किसी अन्य लोकेशन पे जी, तो अमूमन GH उस सब डिवीज़न के लोग हैं, अमूमन सब डिवीज़न हॉस्पिटल महाराजगंज जा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो चूँकि हम लोगों ने अपना कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ जो हैं वो सदर अस्पताल से अलग रखी हुई हैं, जिससे कि अस्पताल में संक्रमण ना फैले। लेकिन जैसा एक दो दिन में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोग सीधा यहाँ चले आ रहे हैं, इतना अपील के बाद भी कि आप सीधा SGH महाराजगंज जाइए और जो ये DCHC सिवान में बनेगा जो तैयारी के स्टेज में ही है, फेज में ही है, वो तैयार होगा तो यहाँ पे भी एडमिट हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि लोग डायरेक्ट यहाँ चले आ रहे हैं तो हम लोगों ने भी इस चीज़ को एक प्रायोरिटी पर लेकर यहाँ पर जो हमारे पास 13 या 14 बेड की व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पर भी रखी हुई है, क्योंकि इसको हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था इस आशय के साथ कि यहाँ संक्रमण सदर अस्पताल में नहीं फैले। इमरजेंसी के लिए इसको भी हम लोग आधे से एक घंटे में चालू कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है प्रशासन को, क्योंकि यहाँ संक्रमण का खतरा ज़्यादा है लोगों में। अगर यहाँ पे 13-14 लोग एडमिट होते हैं तो जनरल अस्पताल के परिसर में फैलने ज़्यादा आशंका होती है।